हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और दिल्ली की तरफ से एक बार फिर से ब्रेकिंग न्यूज, जो लॉकडाउन है उसको 31 मई तक बढ़ा दिया गया है दिल्ली में। तो क्या क्या गाइडलाइंस रहेंगे, क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा, एक बार इस वीडियो में हम देख लेते हैं और क्या इस लॉकडाउन से फायदा हो रहा है उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने स्टेट से रिलेटेड हर एक वीडियो की अपडेट पाने के लिए, हर एक न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में 31 मई तक लॉकडाउन का विस्तार करने का फैसला लिया है। उन्होंने यह घोषणा कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा है कि ढलाई के लिए कोई भी जगह नहीं है और यह कहते हुए लगभग 1600 मामले पिछले 24 घंटों में जो है वो सामने आए हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि मैंने कई लोगों से परामर्श किया और आम राय ने एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन विस्तार का समर्थन किया, इसीलिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन को 31 मई को सुबह 5 बजे तक बढ़ाया जाए। हालांकि 31 मई के बाद इसको ओपन करने की, कुछ गाइडलाइंस कम करने की, कुछ रेस्ट्रिक्शंस कम करने की भी संकेत मिले हैं। तो केजरीवाल ने यह भी कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया 31 मई से शुरू होगी और चरणबद्ध तरीके से यह कोविड-19 मामलों की संख्या में गिरावट जारी रहेगी। तो विशेष रूप से केजरीवाल, जिन्होंने पिछले महीने तालाबंदी की थी, लॉकडाउन किया था, उसे कई बार बढ़ाएगा एक एक हफ्ता करके। और इस सप्ताह की शुरुआत में यह संकेत भी दे दिया गया है कि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ है और शहर में सकारात्मक दर से गिरावट है, 3.5% इस हफ्ते की गिरावट है। तो क्या क्या खुला रहेगा, गवर्नमेंट ऑफिसेस खुले रहेंगे, होम डिलीवरी होगी एसेंशियल्स आइटम की, फूड आपका ओपन रहेगा होम डिलीवरी के लिए, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम ये अपनी सर्विस देते रहेंगे, पेशेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन, मीडिया प्रोफेशनल्स ओपन रहेंगे, ये लोग ट्रैवल कर सकते हैं। एसेंशियल सर्विस जैसे कि ग्रोसरी है, मिल्क बूथ है, फार्मेसी शॉप्स हैं, ये भी ओपन रहेंगी। इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट जाने पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। शादी में सिर्फ 20 लोगों की अनुमति होगी और इसी तरीके से फ्यूनरल्स में भी, यानी कि किसी के डेथ हो जाने पर भी 20 लोगों की ही अनुमति होगी। क्या क्या क्लोज रहेगा, मेट्रो सर्विसेज को अभी भी बंद रखा गया है, प्राइवेट ऑफिसेज को भी बंद रखा गया है, स्कूल कॉलेज कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अभी क्लोज रहेंगे, बंद रहेंगे। फेस्टिवल्स रिलेटेड जो भी गैदरिंग्स होंगी वो अलाउड नहीं है अभी। जिम, मॉल, ब्यूटी सैलून, सिनेमा हॉल ये सब बंद रहेंगे। वीकली मार्केट और ऑन साइट कंस्ट्रक्शंस जो है वो भी बंद रहेगा। तो ये थे दोस्तों कुछ दिल्ली की गाइडलाइंस। इसी तरीके की हर रोज टॉप 10 खबरें पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हर मॉर्निंग पे हम आपको कोशिश करते हैं कि आपके शहर से जुड़ी आपको सभी खबरें मिल जाए। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो, कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, हर एक अपडेट मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।